हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज G24। तो आज हम आपके बीच फिर से एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। वैसे स्टूडेंट जो NFL रिजल्ट को लेकर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और उनके मन में बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है कि इसका कट ऑफ कितना जाने वाला है। तो आज हम इस वीडियो में आपको इससे रिलेटेड जितने डाउट्स हैं सभी क्लियर कर देंगे और 100% गारंटी लेते हैं कि ये वीडियो जो है एग्जैक्ट जितना कट ऑफ रहेगा उससे मैच करेगा। क्योंकि देखिए, कल जो एक व्यूअर्स का मेरे नंबर पे कॉल आया था, वो बोले मेरा 138 नंबर है, फिर भी हमको अंदर से डाउट आ रहा है कि क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो देखिए, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक क्या होता है कि सभी के मन में डाउट्स बने हुए रहते हैं। तो आज हम इस डाउट्स को क्लियर कर देंगे और ये जो डाउट्स हम यहाँ पे कट ऑफ आज जो हम बताने वाले हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट कट ऑफ मिलेगा, क्योंकि हम रात भर जग के क्या किए, इस पे पूरा एनालिसिस करने के बाद हम कट ऑफ बनाए हुए हैं और प्रीवियस जो कट ऑफ था, प्रीवियस कट ऑफ पहले हम निकाले हैं, उसके बाद आफ्टर डेट क्या कट ऑफ इसका रहने वाला है वो हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बताना चाहेंगे कि जो भी नए यूट्यूब चैनल पे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले, जिससे कि मेरा हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिल सके। तो चलिए इसमें देखिए, पोस्ट वाइज हम कट ऑफ बताने वाले हैं। अगर जिनका लगता है कुछ इसमें छूट जाए तो वो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, क्योंकि हम हर एक का कमेंट पढ़ते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक पे हम वीडियो लाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि इससे पहले जो हम वीडियो लाए थे उसमें से रिजल्ट डेट को लेकर आए थे, तो देखिए वो भी सही था, लेकिन वो क्या था कि 2019 का कट ऑफ था, 2019 का वहां पर रिजल्ट दिया गया था जो कि हम अच्छे से देख नहीं पाए। तो देखिए, जिस प्रकार वहां पे आपका जो आपका कमेंट आया था तो हम सारा कमेंट सभी का देखे थे और आज जो हम कट ऑफ लाए वो बिल्कुल रात भर जग के लाए। तो हम चाहते हैं कि आप सबका इस वीडियो में सपोर्ट जरूर मिलना चाहिए और इस वीडियो का टारगेट है मेरा कम से कम 10,000 व्यूअर्स आना चाहिए, जिससे कि क्या हो कि NFL से जुड़ी और भी अपडेट हमें जब भी मिलती है तो हम सबसे पहले आपके बीच लेते आते हैं। तो चलिए हम पहले आपको कट ऑफ के बारे में बता देते हैं। तो देखिए, रात भर जग के जो हम कट ऑफ बनाए थे, पहले प्रीवियस ईयर का कट ऑफ बनाए, उसके बाद आगे क्या कट ऑफ रहने वाला है वो हम बनाए हुए हैं, क्योंकि जो अब बताने वाले एग्जैक्ट वो मिलेगा और आप सबको जो रिजल्ट आएगा तो उसी में पता चल जाएगा कि ये कट ऑफ मिला था इस चैनल से या नहीं मिला था। और रिजल्ट डेट की अगर हम बात करें तो रिजल्ट डेट को भी लेकर कुछ अपडेट है जो कि हम वीडियो के लास्ट में बताने वाले हैं, लेकिन जो मेन जो इम्पोर्टेंट होने वाला है पहले हम उस पर बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें JEE प्रोडक्शन की, और यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ की अगर हम बात करें तो वो जनरल का जो कट ऑफ रहा था, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। देखिए, प्रीवियस ईयर में नंबर ऑफ पोस्ट बस 52 था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि JEE प्रोडक्शन का प्रीवियस ईयर का जो पोस्ट था वो मात्र 52 पोस्ट यहाँ पे थे, 52 सीट थे, और इसका जो कट ऑफ गया था वो यहाँ पे 89 मात्र कट ऑफ था। 89 जनरल का भी 89 था, OBC का भी 89 ही था, और EWS का, ये सभी का यहाँ पे 89 था। और SC ST की अगर हम यहाँ पे बात करें तो SC ST और एक्स सर्विसमैन का कट ऑफ 87 था, जो कि आप लोग देख सकते हैं कि इतना कम कट ऑफ गया था और सीट भी कम था, उसके बाद भी इतना कम कट ऑफ गया है। अगर अब हम नेक्स्ट बात करें कि जो आफ्टर डेट आगे जो कट ऑफ बनने वाला है इससे, उसके बारे में अगर हम बात करें JEE प्रोडक्शन की, तो अब जो कट ऑफ हम बताने वाले एग्जैक्ट मिल जाएगा। देखिए, तो देखिए यहाँ पे अगर हम जनरल की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो देखिए जनरल का जो यहाँ पे कट ऑफ रहने वाला है वो 119 कट ऑफ रहने, मात्र इसका 119 कट ऑफ जाएगा। आपको हम पहले देखिए प्रीवियस ईयर का भी कट ऑफ हम दिखा चुके हैं, प्रीवियस ईयर का कट ऑफ मात्र 89 गया था जिसमें कि सीट मात्र 52 था, लेकिन इस बार सीट भी शायद लगता है 87 सीट है, तो इस बार कट ऑफ थोड़ा सा इससे हाई जाता है। देखिए, इस बार भी कट ऑफ उतना ही जाता है, लेकिन इस बार क्या हुआ कि इसमें जो एग्जाम दिए NFL JEE का उसमें बहुत ज्यादा धांधली चला है, जिसके कारण से चोरी चलने के कारण इसका जो कट ऑफ इस बार है थोड़ा सा हाई उससे हो गया। और जो यहाँ पे चोरी या धांधली चला था उस पर भी हम वीडियो सबसे शुरू में हम ही लाए थे सबसे पहले, जो कि हमारे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं आप लोग। तो किस प्रकार एग्जाम लिया गया था वो आप सभी को पता चल गया होगा वो वीडियो देखने के बाद। अब अगर हम यहाँ पे बात करें ओबीसी और EWS की, इसकी अगर हम कट ऑफ की बात करें तो इसका भी कट ऑफ देखिए इससे एग्जैक्ट सेम ही रहता है, NFL का कट ऑफ में ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है, तो इसका 117 कट ऑफ जाने वाला है। अगर हम SC
एसटी की बात करें तो इसका कट ऑफ जो है वो 113 जाने वाला है, ठीक है। और एक्स सर्विस मैन की अगर हम बात करें तो इसका कट ऑफ 97 से लेकर 99 के बीच में कट ऑफ रहने वाला है। एग्जैक्ट कट ऑफ देखिए मिल जाएगा, अगर इसका बहुत अगर मैक्सिमम कट ऑफ अगर जाएगा तो 119 से लेकर 125, इसके अगर बीच में कट ऑफ नहीं रहा तो फिर मेरे चैनल को आप लोग आके अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये हम जो देखिए बताए सिर्फ डीवी के लिए बताए, ये मेरिट लिस्ट के लिए नहीं है, ये आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिए, ये सिर्फ डीवी के लिए कट ऑफ हम बताए हुए यहाँ पे। अब देखिए अगर हम नेक्स्ट यहाँ पे बात कर ले इंस्ट्रूमेंटेशन का, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसका जो प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ रहा है, इसमें प्रीवियस ईयर में देखिए इसका जो कट ऑफ था वो यूआर, ठीक है, यूआर में यूआर का 113, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 113, और एसटी का भी 113 ही था, एससी एसटी का भी 113 ही कट ऑफ था। एक्स सर्विस मैन का अगर हम यहाँ पे बात करें तो एक्स सर्विस मैन का जो यहाँ पे कट ऑफ था वो 87 था, एक्स सर्विस मैन का कट ऑफ 187 था। और आप लोग देख सकते हैं जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस, ठीक है, ईडब्ल्यूएस ये सभी का 113 कट ऑफ था। अब अगर हम नेक्स्ट बात कर ले कि इसका जो आगे जो कट ऑफ है वो कितना रहने वाला है, तो आफ्टर कट ऑफ की अगर हम बात करें, ठीक है, यहाँ पे तो इसका देखिए आफ्टर अगर हम कट ऑफ की यहाँ पे बात कर ले तो जनरल की अगर कट ऑफ यहाँ पे जनरल की कट ऑफ की अगर हम बात करें आगे जो इसका क्या कट ऑफ रहने वाला था, आप सभी को पता है कि नंबर ऑफ पोस्ट इसका मात्र 15 है, इसका नंबर ऑफ पोस्ट मात्र 15 है, इसका जो कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा हाई जाने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता है कि इसमें स्किल टेस्ट भी होने वाला है जिसके कारण से नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को ज्यादा बुलाए जाएंगे। तो इसका अगर कट ऑफ की अगर हम बात करें तो 133, ये जनरल की हम बात करें, ये मैक्सिमम बात करें, इससे कम ही कट ऑफ जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जा सकता है। अब अगर हम बात करें जनरल ओबीसी की तो जनरल ओबीसी का भी करीबन सेम ही रहेगा, 131 जाने वाला है। और एससी एसटी की देखिए अगर हम बात करें तो इसका कट ऑफ कम जाता है, इसमें एससी एसटी का 129 कट ऑफ जाने वाला है। अगर एक्स सर्विस मैन की बात करें तो एक्स सर्विस मैन का कट ऑफ 105 रहने वाला है। आप देखिए ये जो कट ऑफ हम लिख रहे हैं एग्जैक्ट, आप लोग क्या करिए कि कहीं कॉपी में या कहीं भी नोट करके लिख लीजिए, क्योंकि जो रिजल्ट आने वाला है वो बिल्कुल इससे मैच करेगा। और जब रिजल्ट आ जाएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि मेरे कट ऑफ से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अब देखिए हम चलते हैं इलेक्ट्रीशियन के बारे में, जैसा कि हम बताए थे कि इलेक्ट्रीशियन का इलेक्ट्रिकल की अगर बात कर ले तो देखिए इलेक्ट्रिकल का जो कट ऑफ रहने वाला है वो अभी हम प्रीवियस ईयर बताएंगे, फिर आफ्टर जो आगे जो कट ऑफ रहने वाला है वो बताने वाले। उससे पहले देखिए हम बताना चाहेंगे कि अगर आपका इसमें अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो हम जेई से डायरेक्ट आपको मुलाकात करवाएंगे और उनसे हम इससे रिलेटेड क्या जॉब प्रोफाइल है, कैसे इसका और मेरिट लिस्ट आने वाला है या नहीं है, उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको डायरेक्ट जेई से दिलवाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे पहले अगर हम बात कर ले इलेक्ट्रिकल प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के बारे में, तो इसका जो कट ऑफ जनरल का था वो 94, ठीक है, और ओबीसी ईडब्ल्यूएस का भी 94 था, एससी एसटी के लिए भी 94 था, और एक्स सर्विस मैन के लिए 63 था, जो कि आप लोग खुद ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं इसका कट ऑफ, और हम होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे देंगे, वहां से भी आप लोग देख सकते हैं। और देखिए ये हम डायरेक्ट ऐसे ही नहीं लिख रहे हैं, हम रात भर जग के ये सारा कट ऑफ बनाए हुए हैं, देखे उसके बाद ऑफिशियल साइट पे जाके चेक किए, उसके बाद हम कट ऑफ आपके बीच लेकर आए हैं। अब अगर हम नेक्स्ट बात कर ले इसका आगे जो कट ऑफ क्या रहने वाला है, तो इलेक्ट्रिकल का कट ऑफ देखिए हर हमेशा इसका बहुत ज्यादा हाई जाता है। तो अगर नेक्स्ट अगर हम बात कर ले इलेक्ट्रिकल का कट ऑफ के बारे में, तो इसका जो कट ऑफ जाने वाला है 139 जाने वाला है इसका कट ऑफ, जो अब रिजल्ट इसका आएगा। तो अब अगर हम बात कर ले यहाँ पे ये जनरल के लिए था, अगर हम एससी एसटी ओबीसी और एक्स सर्विस मैन की अगर बात करें, तो सबसे पहले ओबीसी डब्ल्यूएस की अगर बात कर ले तो इसका भी 139 ही जाने वाला है। अगर हम नेक्स्ट बात कर ले एससी एसटी की, तो एससी एसटी का इसमें कट ऑफ 131,
एससी एसटी का कट ऑफ देखिए इससे कम भी जा सकता है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं एससी एसटी का जो एग्जाम दिए वो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत कम है, ठीक है, लेकिन पोस्ट कम है, इस कारण से इनका भी कट ऑफ थोड़ा हाई जाने वाला है। और ये जो हम कट ऑफ बता रहे हैं वो नॉर्मलाइजेशन के बाद बता रहे हैं। अब देखिए अगर एक्स सर्विसमैन की बात करें तो एक्स सर्विसमैन का इसका कट ऑफ जो जाने वाला है 99 कट ऑफ जाने वाला है। अब देखिए क्या होगा कि इससे एक से दो नंबर आगे या पीछे हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट अगर इनके जो नियरेस्ट हैं इनसे एक दो नंबर कम भी है उनका भी 90% चांस है कि हो जाएगा, और जिनका अगर 139 है वो बिल्कुल निश्चिंत रहिए आपका यहाँ पे कट ऑफ बिल्कुल मिलने वाला है। अब अगर हम नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बात कर ले लोको अटेंडेंट ग्रेड टू का, तो इसका जो देखिए कट ऑफ रहने वाला है इसका देखिए मात्र नंबर ऑफ सीट्स 4 है। आप लोग खुद सोच सकते हैं जब 4 ही सीट है तो इसका कट ऑफ कितना ज्यादा जा सकता है। इसके कट ऑफ की अगर बात करें जनरल की तो इसका कट ऑफ 142 जाने वाला है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 139 जाने वाला है। एससी एसटी की अगर हम बात कर ले तो एससी एसटी की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो एससी एसटी 137 और एक्स सर्विस मैन के लिए 119 इतना इसका कट ऑफ रहने वाला है। बिल्कुल एग्जैक्ट कट ऑफ इससे मिल जाएगा, आप लोग निश्चिंत रहिए। अगर इतना कट ऑफ में आ रहे हैं तो आप लोग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जरूर तैयार हो जाइए। अगर उससे कुछ डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, नेक्स्ट वीडियो हम डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पर जरूर लेकर आएंगे। अब देखिए जैसा कि हम लिखे हुए थे रिजल्ट डेट को लेकर, ठीक है, तो देखिए उससे पहले हम बता देना चाहते हैं कि आप सबका अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा जरूर आप लोग वीडियो को क्या करिए शेयर करिए। कम से कम 10,000 अगर व्यूअर्स इसमें पुर गया तो हम जेई सर से डायरेक्ट मुलाकात करवाएंगे, वो भी लाइव, ठीक है। अगर होगा तो उनके जहां पे वो जॉब कर रहे हैं वहां पे हम इंटरव्यू करवाएंगे, उनका क्या जॉब प्रोफाइल रहने वाला है, क्या उनका सैलरी रहता है, सारे हम उनसे बात करवाएंगे। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि वीडियो को शेयर करके और सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, ताकि क्या हो कि सभी स्टूडेंट इससे जुड़ सके। अब अगर रिजल्ट डेट की अगर हम बात कर ले यहाँ पे तो देखिए रिजल्ट डेट को लेकर हम जब बात किए थे तो देखिए वो बोले थे कि 16 से 17 तारीख के बीच में आ जाएगा, लेकिन आज तो 18 तारीख हो चुका है। तो आज हम लोग क्या करते हैं कि आज शाम तक हम वेट कर लेते हैं रिजल्ट को लेकर, आज शाम तक वेट कर लेते हैं। अगर आज शाम तक नहीं आया है तब हम नेक्स्ट बात करेंगे, क्योंकि देखिए हम सबसे शुरू में जब हम बात किए थे तो वो बताए थे कि अब 25 मार्च का रिजल्ट आने वाला है, जैसा कि हम पिछले वीडियो में भी बताए थे 25 मार्च को। लेकिन क्या हुआ कि जो मार्केटिंग और लोको अटेंडेंट ग्रेड 3 का जो रिजल्ट आ गया जिसके कारण से क्या हुआ कि मेरा जो बताए थे रिजल्ट डेट वो गलती साबित हो गया। तो इसी कारण देखते हैं कि अगर 25 मार्च तक आप लोग वेट कर लीजिए, आज देखिए वेट कर लीजिए, अगर ऐसा होगा तो हम बात करके, आप देखिए अगर हम बात करें कि विभाग से बात करने की तो आप सभी को पता है कि आज से छुट्टी होने वाला है, और होली का छुट्टी हुआ तो 2 से 3 दिन जरूर छुट्टी रहेगा, 21 तक तो छुट्टी है। अब 21 के बाद ही देखिए रिजल्ट आने का चांस है, तो हम 25 मार्च का डेट बताए थे तो हो सकता है एग्जैक्ट उस डेट को आएगा। तो हम देखिए आज विभाग से कोशिश करेंगे संपर्क करने का, अगर हो गए तो अपडेट कर देंगे, नहीं हुए तो फिर जैसे ही छुट्टी खत्म होगा तो फिर मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जाते जाते लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।